and she knew he's going to die, and she, what a life she must have had. Then the son came and she tried to save him, but he went into the same mission. But she waited and waited and waited and waited and waited, and then things started happening. What a lesson on patience. Hi, my name is Abhi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Namaskar, ladies and gentlemen. Welcome to another episode in this series of Bollywood Entrepreneurship. Bollywood inspired entrepreneurship, inspired Bollywood, Bollywood inspired entrepreneurship. इन दोनों के बीच में ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है, इस सीरीज में नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी उसका नाम था शमशेरा. यस, सैटरडे संडे था, 2 दिन में 2 मूवीज निकाली. आई फील प्राउड ऑफ इट. टाइम क्यों वेस्ट किया? एंटरप्रेन्योर बन रहे हो या बन रहे हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, नो नेटफ्लिक्स को. मैं तो सबको देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन मैं उनमें से एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन भी निकालता हूँ जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ. नाउ व्हेन आई वॉच द मूवी शमशेरा, माई गॉड, लोगों ने इतनी बकवास करी थी उस मूवी के बारे में. एक्चुअली जब एक्सपेक्टेशन लोग बिल्कुल जीरो कर देते हैं ना, तो मूवी में कुछ अच्छा दिखता है. और मेरे को आज तक बहुत कम मूवीज बुरी लगी है. मुझे इस मूवी में कुछ बुरा नहीं लगा. रणबीर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और पूरा होल सागा जिस तरीके से उन्होंने बनाया. बट आप लोग इसमें आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने, तो 2 चीज़ें देखिए. क्या होता है, जो उनकी जो ट्राइब होती है, खमेरन की जो ट्राइब होती है, उसमें उनका जो लीडर होता है शमशेरा, वो उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो मर भी जाता है. लेकिन उन्हें ये बताया जाता है कि वो एक ट्रेटर था, तो उस वजह से दे आर ऑलवेज कॉलिंग हिम अ ट्रेटर. ऑलमोस्ट 30-40 साल लग जाते हैं, उनका बेटा बड़ा होता है, और तब जाके जब वो उनका माइंडसेट बदलता है कि आई एम विद यू, जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके बाद वो खमेरन सब खड़े हो जाते हैं, वो जो चूहे से शेर बन जाते हैं, सब कुछ करते हैं और वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स को नीचे हरा देते हैं. सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट बिजनेस लेसन ओवर हियर? आप अपने आप को सोचो, आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी मेहनत इज़ नॉट रिजल्टिंग इन द ट्रस्ट दैट योर कंपनी हैज़ ऑन यू, योर पीपल हैव ऑन यू, दे विल नॉट फाइट फॉर यू. दे मे बी देयर स्टैंडिंग फॉर यू, बट वो आपके लिए मर मिटने को तैयार नहीं होंगे, आपके लिए कुछ बड़ा करने को तैयार नहीं होंगे. तो आपको, आप एज अ लीडर हो किसी भी फील्ड में, यू नीड योर टीम टू वर्क विद यू, एंड द टीम नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर, व्हाट इज़ द विजन, और वो कहाँ फिट आते हैं विजन में. इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. बात करते रहिए, समझाते रहिए, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, उनके विजन, आपके विजन, चीजें क्लिक होंगी और कुछ मेंबर आपके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ और जुड़ेंगे, सारे लोग शायद आपके साथ ना जुड़े, कुछ आपके मेंबर्स, कुछ आपके टीम मेंबर्स के साथ जुड़ेंगे, और ऐसे करके कहानी जो है आगे बढ़ती चलेगी. तो सबसे बड़ी गेम जो मैंने सीखी, टीम ट्रस्ट. ओके, सेकंड चीज जो मैंने आज से सीखी, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज. यू नो, हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहे हैं और अच्छी अच्छी मूवीज की बातें कर रहे हैं, रणबीर इज अ ग्रेट एक्टर. नाउ सेकंड थिंग दैट आई लर्नड वाज पेशेंस. इफ यू नोटिस द रोल ऑफ द मदर, वो शी हैजंट गिवन अप. उसने अपने हस्बैंड को पहला पत्थर मारा, एंड शी न्यू ही इज गोइंग टू डाई, एंड शी, व्हाट अ लाइफ शी मस्ट हैव हैड. देन द सन केम एंड शी ट्राई टू सेव हिम, बट ही वेंट इनटू द सेम मिशन. बट शी वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. What a lesson on patience. ये तो हम लोग तो कैद में नहीं है, हम लोग तो entrepreneurs हैं, हमारा business ऊपर नीचे चलता है, हमारा patience हिल जाता है. वो तो कैद में थे इतने साल, बरसों, और उनमें patience था कि yes, one day we will get out, हम सही मौका ढूंढेंगे, शमशेरा बड़ा होगा, उसका बेटा ये होगा, all those things started happening. So हमारा business भी बड़ा होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, सिस्टम्स चलेंगे, प्रोसेसेस चलेंगे. कभी कभी होता है, हम कहते हैं दूसरे ने भी वही किताब पढ़ी थी, दूसरे ने भी वही वेबिनार किया था, दूसरे ने भी वही कोर्स किया था, दूसरा भी उसी कॉलेज स्कूल से आया था, वो तो सक्सेसफुल हो गया, मैं नहीं हुआ, मेरे में कोई कमी होगी. कभी कभी चीज़ों को फिट होने में, समझने में टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं होती, फिट होने के बाद भी टूट जाती है. कभी बिजनेस चला था 2 महीने के लिए, फिर बंद हो गया, 2 साल चला था, फिर बंद हो गया, बिकॉज ये चीज़ें चलते चलते चलती हैं. समय बनते बनते बनता है, हालात बनते बनते बेटर होते हैं. तो समय को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, प्रोसेस को रिस्पेक्ट कीजिए. तभी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके बिजनेस पे लोड पड़ रहा है और वो नहीं चल रहा, अभी टाइम लग रहा है, उसको बंद मत कीजिए. हमेशा साथ में एक जॉब रखिए या साइड इनकम रखिए, ताकि सारा बिजनेस पे लोड ना आए और बिजनेस को जो समय लगना है ग्रो होने का, वो समय आप उसको अच्छी तरीके से दे सके. इस टॉपिक के ऊपर मैंने और वीडियो बनाया, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. बट अभी का वीडियो हम इसी चीज़ के ऊपर रखेंगे कि शमशेरा मूवी से हमने कौन सी 2 चीज़ें सीखी जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के अपने लेसन में ला सकते हैं. नंबर 1 इज टीम ट्रस्ट. आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन टीम के ट्रस्ट के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है. एंड फाइनली देयर इज पेशेंस, कि किस तरीके से आप पेशेंस लेके आते हैं, सो दैट लंबी रेस के आप घोड़े खेलेंगे और गेम खेलेंगे. और ये प्लीज़, ये सारे इंटरनेट पे गेम्स वगैरह
और इतने सारे जो एपिसोड्स आ गए हैं ओवरनाइट सक्सेसफुल एंड ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेसफुल करके कोई चीज़ होती नहीं है, समय लगता है। उस समय आपने अपने आप में पेशेंस रखनी है। पेशेंस कैसे रखोगे जब पैसे खत्म हो रहे हैं, काम नहीं चल रहा? गेट अ जॉब और डू समथिंग विच इज ऑलरेडी गिविंग यू इनकम टू बी एबल टू सस्टेन योर लाइफ स्टाइल, योर फैमिली एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब फैमिली खराब होती है तब सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। सो बी अ फैमिली फर्स्ट एंटरप्रेन्योर एंड इंस्टिल पेशेंस इन एवरीथिंग दैट यू डू। तो ये था लेडीज एंड जेंटलमैन आज का एपिसोड, आई होप यू लाइक्ड इट। सो ऑन शमशेरा, वॉट वी लर्न फ्रॉम शमशेरा, इस तरीके से बॉलीवुड इंस्पायर्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन मैं आपके पास लाता रहूँगा हर हफ्ते। आई होप यू आर लाइकिंग दिस चैनल एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट द टीम इज पुटिंग इन टू ब्रिंग ऑल दीज ब्यूटिफुल वीडियोज टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में से एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या अच्छा लगा, और अगर आपने मूवी देखी है तो उस मूवी से आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या सीखा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अभी आर्या साइनिंग ऑफ नाउ।